सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ी हैरान करने वाली ताजा खबर सामने आ रही है। बीजेपी पत्रकार या यू के हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो कि पत्रकारिता का काम करता था, कुछ बदमाशों ने उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मार दी हैं। 4 गोली पेट और सीने में लगी है। मौके पर ही वो घायल होकर गिर जाते हैं। हालांकि आनन फानन में स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। चलिए क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामने आ रही है। बताया जा रहा है पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। सायगंज कोतवाली क्षेत्र के सवरहद ये निवासी आशुतोष सोमवार को जब घर से निकले तो घर से महज 500 मीटर दूरी पर बाइक सवार आए 2 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही आशुतोष सड़क पर ही गिर जाते हैं। आसपास के लोग आशुतोष को आनन फानन में अस्पताल लेकर भागते हैं जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस वक्त परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, साथ ही लोगों ने सड़क जाम कर इस घटना का काफी विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के साहेगंज कोतवाली क्षेत्र के सवरहद निवासी आशुतोष के साथ इस घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आशुतोष श्रीवास्तव भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वो पत्रकारिता का काम करते हैं। सुबह प्रचार प्रसार के लिए वो बाइक से निकले थे। इसी दौरान करीब 9 बजे के आसपास बाइक पर आए बदमाशों ने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर उन्हें रोक लिया। आशुतोष कुछ समझ पाता इससे पहले ही बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। उनके सीने और पेट में 4 गोलियां लगी हैं। आनन फानन में आसपास के लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आशुतोष श्रीवास्तव भू माफियाओं के खिलाफ पत्रकारिता का काम करते थे। पत्रकार भू माफियों के खिलाफ खबर लिखते थे। संभावना बताई जा रही है कि इसी रंजिश को लेकर शायद पत्रकार की हत्या की गई है। आपको बताना चाहेंगे, स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक पर 2 बदमाश सवार होकर और उनका मुंह गमछे से बंधा हुआ था। उन्होंने आकर आशुतोष पत्रकार को रोका, उनसे नाम पूछा और वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही बदमाशों ने काफी नजदीक से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। 4 गोलियां पेट और सीने में लगी है। सायगंज सीओ अजीत सिंह चौहान ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और जल्द ही उन्हें कड़ी से कड़ी